आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे पुशअप नहीं लगते होंगे या फिर 10 या 15 पुशअप ही लगते होंगे। और हाँ, जो बंदा एक बार में 20 पुशअप लगा लेता है बिना किसी रेस्ट के, तो साइंस के हिसाब से उसकी बॉडी परफेक्ट है। और इससे बढ़िया बात है कि जो बंदा 50 पुशअप एक बार में लगाना सीख लेता है, तो वो बंदा 50 पुशअप के अगर 3-3 सेट 3-3 बार अलग अलग पुशअप के लगा ले, तो उसकी बॉडी सिर्फ पुशअप लगाने से बन जाती है। जैसे कि चेस्ट हो गया और शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, मतलब ऊपर की बॉडी तो भाई एक नंबर की बन जाती है सिर्फ पुशअप लगाने से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये चैंपियन कुलदीप आर्यवीर बोलते हैं, जिनका पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये बात बोलता है। तो अब आप खुद ही हिसाब लगाओ, अगर आप लोग 50 पुशअप सीख जाओ ना लगाने, तो आपके लिए बॉडी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इनसे आपके मतलब पुशअप जरूरी नहीं है 50 से ऊपर भी आप बढ़ा सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि 50, ठीक है, क्योंकि 50 एक बार एक सांस में 50 लगाने शुरू कर दिए तो समझ लो आपकी बॉडी की ग्रोथ शुरू। बहुत सारे एग्जांपल है भाई, बहुत सारे एग्जांपल है जिन लोगों ने सिर्फ पुशअप से बॉडी बनाई है। लेकिन इन लोगों के अंदर एक खास बात होती है, ये लोग ऐसे नहीं कि 100 पुशअप 200 पुशअप लगाते हैं, 50 पुशअप लगाते हैं एक समय में। ये लोग एक समय में कम से कम 500 से 1000 के बीच में पुशअप लगाते हैं, तब जाकर इनकी बॉडी बनती है। और ये नियम भी यही है, होम वर्कआउट से बॉडी बनाने का यही नियम है कि आपको हर रोज वर्कआउट बढ़ाना पड़ता है। हर रोज चाहे आप 5-5 पुशअप बढ़ाओ, 5-5 पुलअप बढ़ाओ, आप होम वर्कआउट में आपको हर रोज अपना वर्कआउट इंक्रीज करना पड़ता है। जब आप 500 पुशअप कम से कम एक समय में लगाना शुरू कर देते हो, वो चाहे आप सेट में लगा रहे हो, तब जाकर आपकी छाती इंक्रीज होनी शुरू होती है, आपके शोल्डर, बाजू, आपकी बैक मसल्स, ये सब इंक्रीज होने शुरू होते हैं तब जाकर, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट है, आपको शुरुआत में पुशअप की प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लगा सकते हो आप उतने पुशअप लगाओ, ठीक है, हर रोज। लेकिन आपको साथ में 3 साधारण दंड जिसे बोलते हैं, आपको वो लगाने हैं। जी हाँ, इसको हर कोई लगा लेता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें इससे ताकत नहीं लगती। पुराने समय के पहलवान यही दंड लगाते थे और उनमें कितना जोर होता था ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई आपको साधारण दंड लगाने हैं 3 सेट, जितने आप एक सेट में लगा सकते हो उसके हिसाब से। इससे क्या क्या होगा, आपके कंधे मजबूत हो गए, आपका ट्राइसेप, ऊपर की जो पूरी बॉडी होती है वो मजबूत होती चली जाएगी। पहले का एक हफ्ता आपको लगातार लगाने हैं दबाकर, जितना हो सके, साधारण दंड भी पुशअप भी। दूसरा पॉइंट है, एक हफ्ते बाद जब आप लगातार साधारण दंड लगाते हो, लगातार पुशअप लगाते हो, तो एक हफ्ते बाद आपको साधारण दंड और पुशअप लगातार लगाने बंद कर देने हैं। हर रोज लगातार नहीं लगाने, सिर्फ एक हफ्ता लगाने हैं। आपको एक एक दिन छोड़कर फिर पुशअप लगाने हैं, एक एक दिन छोड़कर। जैसे कि आज आपने पुशअप लगाया, फिर अगला दिन छोड़कर फिर पुशअप लगाना है, तो भाई अब बात आती है उस दिन में हम क्या वर्कआउट करें जिस दिन आप पुशअप नहीं लगाओगे, जिस दिन हमको पुशअप नहीं लगाने। तो भाई उस दिन आप पुलअप लगा सकते हो और लेग वर्कआउट करो। मतलब सिंपल सा है, आज मान लो आपने पुशअप लगाए, मान लो आज आपने दबाकर, ठीक है, जितने आपसे लगे, कल आपको पुलअप लगाने हैं, पुशअप बिल्कुल नहीं लगाने, ना साधारण दंड लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ पुलअप लगाना है, दूसरी मसल का वर्कआउट करना है। फिर परसों आपको पुशअप लगाने हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारी मसल्स वर्कआउट के समय टूटती है, इसलिए इसको रिपेयर होने में यानी कि दोबारा से बनने में 2 दिन लगते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एक दिन छोड़कर पुशअप लगाएं और बीच के दिन में आप लेग वर्कआउट करें या फिर पुलअप करें, दोनों कर सकते हैं। अगर आप हर रोज पुशअप लगाओगे तो आपकी मसल्स को रिपेयर होने में समय नहीं मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी टाइट रहेगी और फिर ना आप पुशअप लगा पाओगे और अधिक पुशअप तो लगा ही नहीं पाओगे आप। तीसरा पॉइंट, आपको वर्कआउट खत्म होने के बाद 30 मिनट के अंदर या इससे भी कम 20 मिनट के अंदर प्रोटीन की डाइट लेनी है, ताकि आप जो पुशअप लगाते हो, आपकी जो मसल्स टूटी वो जल्दी जल्दी रिपेयर हो सके और अगले दिन या अगले दिन को छोड़कर आप पुशअप लगाने के लिए दोबारा से तैयार हो सके, आपकी मसल्स मजबूत बन सके। ऐसी डाइट जो कि जल्दी हजम हो सके, जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो। दूध में प्रोटीन होता है लेकिन भैंस का दूध पचने में बहुत ज़्यादा घंटे लेता है, इसलिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमको ऐसी डाइट लेनी है जो जल्दी हजम हो और जल्दी रिपेयर करे। हाँ, गाय का दूध पियो, इसमें ये जल्दी जल्दी पचता है, जल्दी जल्दी हजम हो जाता है, आधे घंटे के अंदर हजम हो जाता है। और वर्कआउट करने वाले के तो जल्दी हजम हो जाता है जो वर्कआउट करता है। नहीं फिर मूंग दाल देसी चना, इसको भिगो कर खा लो वर्कआउट के बाद, ये सबसे बेस्ट है। इन दोनों में से जो चीज़ चुन ली आपको वो चुन लो, वो खा सकते हो वर्कआउट के बाद। केला खाओ पूरे दिन में, जितना ज़्यादा हो सके कम से कम 8 केले खाओ, क्योंकि ये हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं। केला जो होता है स्टेमिना बढ़ाते हैं, इसलिए शायद भगवान ने वरदान दिया हुआ है कि ये 12 के 12 महीने हमको मिल जाते हैं, 12 के 12 महीने, ठीक है ना।
आप सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है, वर्कआउट से पहले ऐसी चीज खाओ जिससे हम मजबूती से वर्कआउट कर सके और लंबा वर्कआउट कर सके, समझ रहे हो। अगर 40 पुशअप लगाने की आपके अंदर एनर्जी है तो 50 तो लगाओगे ही ना, ऐसा कुछ खा लो वर्कआउट से पहले। खाली पेट वर्कआउट करोगे तो भाई मतलब एक सेट में 20 लगा लोगे, दूसरा सेट नहीं लगा पाओगे, ये काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमको तो सेट ज़्यादा लगाने हैं ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई वर्कआउट से पहले सबसे बढ़िया देसी चीज़ बताता हूँ, 2 केले और 10 बादाम, बस। वर्कआउट से 40 मिनट या आधे घंटे पहले 2 केले 10 बादाम बस, या 25-30 मिनट पहले बहुत है। ये चीज़ें आपको खानी है और फिर वर्कआउट करना है। ये पॉइंट अपने सुधार लो और इनको फॉलो कर लो, 1 महीने बाद आपके पुशअप इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, बस, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।